दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पेपर इंडस्ट्री का एक स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है जेके पेपर लिमिटेड। सबसे पहले इसका जो एक डेटा आपको दिखाने वाला हूँ मैं, यही जेके पेपर मिल्स का उसका जो एनुअल रिपोर्ट है वहीं से ही मैं ड्रा किया हुआ था, जो कि एक पेपर इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हम लोग को नॉलेज दे सकता है। उसके साथ साथ इसका मार्केट शेयर भी देखेंगे और आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा बिकॉज मैं उसका टेक्निकल एनालिसिस भी डिस्कस करने वाला हूँ और उसका प्रॉपर प्राइस रेंज आप लोग को पता चल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आज जेके पेपर लिमिटेड के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसको मैं थोड़ा लार्ज कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोग का यहाँ पे जो पेपर इंडस्ट्री का इंडियन पेपर इंडस्ट्री के जो मार्केट शेयर के हिसाब से देखा जाए तो नंबर वन में 4% स्टेक होल्डिंग के साथ आ जाएगा आईटीसी। करेक्ट, आईटीसी का ऑलरेडी आप लोग को पता है, क्लासमेट उसका ब्रांड है। करेक्ट, उसके बाद जो आएगा डैट इज जेके पेपर 3% का आपका मार्केट शेयर के साथ। तो जेके पेपर आपका लीडिंग सेकेंड लीडिंग कंपनी है इन द केस ऑफ द पेपर इंडस्ट्री। और इसका अगर मैं बात करूंगा, मैं इसका जब ये एनुअल रिपोर्ट में गया तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि एक्चुअली में जो स्वॉट एनालिसिस ऑफ पेपर इंडस्ट्री यहाँ पे प्रॉपर हम लोग को दिख जा रहा है। जैसे कि आप लोग को स्ट्रेंथ दिख जाएगा पेपर इंडस्ट्री में, आप लोग को ये काफ़ी सारा चीज़ बोला हुआ है जो कि एक्चुअली में चीज़ है, वो है मतलब इनकम की बात होता है। राइट, हम लोग स्टॉक के ऊपर बात कर रहे हैं, हम लोग को किस हिसाब से इनकम होगा उस हिसाब से ही हम लोग को बात करना है बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है और क्या दिक्कत हो गया वो सब तो इंडस्ट्री वाइज सही है, बट प्राइस वाइज अगर बात किया जाए कितना पेपर का डिमांड आने वाला है वो आपको इस शॉर्ट एनालिसिस में ज़्यादा पता नहीं चलेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ डिमांड ड्राइवर कौन हो सकता है, कौन इसका डिमांड को ड्राइव कर सकता है। तो सबसे पहले हो गया जो अर्बनाइजेशन जो ज़्यादा हो रहा है। करेक्ट, उसके बाद यहाँ पे जो भी एज है, एक कौन सा एज का लोग ज़्यादा यूज करते हैं, अभी तो जो बचपन से भी शुरू हो गया वहीं से भी आप लोग देख सकते हो कि कुछ ना कुछ पेपर में चाहे क्राफ्ट से लेकर आपका लिखना तक हर जगह यूज हो रहा है। करेक्ट, और यहाँ पे जो लिटरेसी लेवल का जो बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, सर्वशिक्षा अभियान हो गया या मिड डे मील स्कीम हो गया, उसमें भी हम लोग का एक उछाल आने के लिए उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। फिर हम लोग का ये वाला जो दिया हुआ है न्यूज़पेपर सर्कुलेशन, मेरे को ज़्यादा नहीं लगता है बिकॉज सब अभी न्यूज़पेपर को रिप्लेस करके सब डिजिटल जा रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि कोई बहुत सारा एप्लीकेशन निकल गया है और बहुत सारा न्यूज़ चैनल भी निकल गया है कि तुरंत आपके सामने न्यूज़ आ जाता है और कोई भी किसी को अभी कोविड के बाद न्यूज़पेपर पढ़ने का मन हो तो बिल्कुल वो डिपेंड करता है कि डिजिटल न्यूज़पेपर पर, ई न्यूज़पेपर के ऊपर। करेक्ट, और उसके बाद ये वाला जो चीज़ है ई कॉमर्स वाला, ये वाला चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ने वाला बिकॉज पैकेजिंग के मामले में प्लास्टिक को हटा के ज़्यादा पेपर का यूज करने के लिए आप लोग सोच रहे हो। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि आईफोन 6 के बाद जितना आईफोन 7 या 8 जितना भी सब आया हुआ आईफोन X, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो लोग फोकस कर रहे हैं पेपर पैकेजिंग के ऊपर। वो लोग कंप्लीटली रिप्लेस कर रहे हैं अपना जो भी प्लास्टिक पैकेजिंग का, और आप लोग देखे होंगे कि कंप्लीट पेपर में आ चुका है हर कोई इंडस्ट्री। आप लोग, मैं खाली आईफोन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मोबाइल इंडस्ट्री में पूरा देख लो, वो पेपर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट होने लग गए हैं। फिर हो गया हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर भी ये बात होता है, और एजुकेशन में तो आप लोग को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। करेक्ट, तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस जो कि पेपर इंडस्ट्री को आगे बूस्ट देने वाला है। करेक्ट, और यहाँ पे मैं सीधा आता हूँ इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो फंडामेंटल में आप लोग को दिखेगा कि 1591 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ जेके पेपर लिमिटेड यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। बट इसमें जो दुखी की बात है डैट इज डेट। ये कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर है क्योंकि मशीनरी बहुत सारा चीज़ इसमें इंस्टॉल होता है, तो 1731 करोड़ का इसका डेट है जो कि बहुत ज़्यादा है। मानता हूँ कि जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 1 के बदले यहाँ पे 0.72 है, लगभग आप लोग बोल सकते हो 28% नीचे है। करेक्ट, लेकिन फिर भी थ्रेशोल्ड के आसपास ही है, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा डेंजर हो सकता है। लेकिन प्लेस परसेंटेज इसमें बात किया जाए कम्प्लीटली जीरो है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और प्रोमोटर होल्डिंग की बात किया जाए कम्प्लीट 50% आप लोग को दिख जाएगा, पूरा थ्रेशोल्ड के आसपास ही काम ये कर रहा है। अगर फ्री कैश फ्लो की बात किया जाए तो लास्ट 3 साल में भी पॉजिटिव दिखेगा और लास्ट 5 साल में पॉजिटिव दिखेगा, जो कि एक हैरान की बात है और अच्छी बात है। एक कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर में, इतना सारा इंटेंसिव सेक्टर में, ये इतना सारा अच्छा फ्री कैश फ्लो होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा कैश फ्लो मेंटेन किए यह कंपनी, जो कि एक अच्छी बात है।
प्रॉफिट लॉस की बात किया जाए तो प्रॉफिट लॉस के हिसाब से नेट प्रॉफिट आप लोग को दिखेगा कि दो साल खाली आप लोग को नेगेटिव दिखेगा 2014 और 2015, उसके बाद कंसिस्टेंटली ग्रोइंग प्रॉफिट आप लोग को दिख जाएगा अप टू 2020। करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा खासा यहाँ पे काम हो रहा है और यहाँ पे जितना भी चीज़ चेंज हो जाए लेकिन ये कंपनी अपने आप को सस्टेन करके प्रूफ किया गया है। इस हिसाब से अगर कंपनी का हिसाब देखा जाए तो बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन यहाँ पे जो डेट है, अगर डेट इसको मिनिमाइज कर सकता है, अगर आप लोग देखोगे प्रॉफिट लॉस के मामले में 475 करोड़ का अगर प्रॉफिट कमा रहा है, 400 करोड़ का अगर प्रॉफिट कमा रहा है अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे राउंड फिगर में, तो यहाँ पे आप लोग को डेट चुकाने में लगभग 3 से 4 साल लग ही जाएगा। करेक्ट, तो इस हिसाब से आप लोग देख के बात कर सकते हो, दिमाग में ले सकते हो, तो और आप लोग को और अच्छा होगा इन्वेस्टिंग करने के लिए। करेक्ट, और यहाँ पे 5813 के चार्ट के हिसाब से आप लोग को दिखेगा कंप्लीट नेगेटिव ट्रेंड, अभी भी नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू कर ही रहा है, कोई इसमें रुकावट नहीं आ रहा है। और 1 वीक के हिसाब से बात किया जाए तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी पैदा हो रहा है और यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। करेक्ट, और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो आप लोग को यहाँ पे भी एक नेगेटिव ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। सो ओवरऑल यहाँ पे ये वाला एंट्री प्राइस बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा एंट्री प्राइस है मैं आगे बात बताने वाला हूँ, आप लोग देखते जाइए। और यहाँ पे अगर मल्टीपेगर के पैटर्न के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे रिवर्स ट्रायंगल बनाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा है। करेक्ट, लेकिन इसका जो अभी का सिचुएशन यहाँ पे बहुत बड़ा नीचे की तरफ गया था, बट ये ज़्यादा शार्पनेस में नहीं था ये वाला रिवर्स ट्रायंगल, बट स्टिल ये एक अच्छा रिस्पॉन्ड किया गया है ये मैं मान रहा हूँ। और यहाँ पे जो भी नेगेटिव ट्रायंगल बनेगा इसमें जब भी ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे हम लोग उतना ज़्यादा उम्मीद करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे भी एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए था, बट कंपनी का रिटर्न बहुत अच्छा मिला है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो और इसमें रिटर्न भी मिल जाएगा देन आप लोग के लिए बोनस है, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा रिटर्न मिलना अभी के लिए मुश्किल नज़र आ रहा है। करेक्ट, फिर मैं बात करूंगा यहाँ पे प्राइस लेवल की, तो प्राइस लेवल के लिए मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं जैसे करता हूँ कि वॉइड की, और यहाँ पे आप लोग को दिखेगा एक कम बहुत अच्छा वॉइड यहाँ पे क्रिएट हुआ है। राइट, बाकी जितना भी वॉइड क्रिएट हुआ है सबके सब पूरा हुआ है, और यहाँ पे जितना वॉइड हुआ है एक एक करके पूरा हो रहा है, और ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ये वाला जो वॉइड है इसको कम्प्लीट किया गया है, और यहाँ पे जो वॉइड है ये वाला कम्प्लीट अभी तक नहीं हुआ है। वो प्राइस का लेवल है आप लोग देख सकते हो, दैट इज 128। वो तो शॉर्ट टर्म में अगर नीचे की तरफ थोड़ा सा करेक्शन के बाद अगर ऊपर उछाल लेता है तो 128 का टारगेट तो हम अचीवेबल है विद इन 1 ईयर, ये तो आप दावे के साथ कह सकते हो। 128 विल बी द नेक्स्ट लेवल, कब जाएगा ये थोड़ा बोलना मुश्किल हो रहा है अभी के लिए मेरे लिए। ओके, अगर आप लोग बोल सकते तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए मुश्किल तो हो ही रहा है। और यहाँ पे आप लोग अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करोगे तो आप लोग को एक कंप्लीट व्यू मिल जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे एक कंप्लीट व्यू मिल जाएगा कि 97.59 ये वाला लेवल को तोड़ नहीं पाया, इसके नीचे आ चुका है। तो फॉर द शॉर्ट टर्म आप लोग का नीचे की तरफ अगर लेवल देखा जाए तो 84.87, अब भगवान ना करे ये टूट जाए, अगर ये टूटेगा तो और नीचे आने के लिए उम्मीद हम लोग कर सकते हैं, बट स्टिल वॉइड इज देयर, यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए कभी ना कभी आएगा, कब आएगा ये वाला देखना बाकी है। मेरे को लग रहा है जितना कि मिनिमम तो 1 ईयर लग जाएगा ये 128 का लेवल अचीव होने के लिए। करेक्ट, और यहाँ पे मैं बात करूँगा अगर डाइवर्जेंस की, तो डाइवर्जेंस यहाँ पे उतना अच्छा नहीं बना हुआ है, आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी देखो या शॉर्ट टर्म के लिए भी देखो तो यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस आपको दिख नहीं रहा है, और यहाँ पे इसलिए आप लोग कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। करेक्ट, और यहाँ पे मैं बात करूँगा निफ्टी के साथ कोरिलेशन में, निफ्टी के साथ कोरिलेशन अगर देखा जाए तो आपको दिखेगा 0.-0.34, जो कि निफ्टी कहीं पे भी जाए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, माइनस में है, इवन 1 भी नहीं है। तो आप लोग कभी भी जेके पेपर का एनालिसिस करते हो तो इंडिविजुअल बेसिस में करना, मास बेसिस में बिल्कुल भी मत करना। तो जेके पेपर का ये था एक टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप लोग चाहते हो कि इसका जो स्टॉकिस्टिक आरएसआई भी चेक किया जाए तो यहाँ पे उतना ज़्यादा आप लोगों को कंक्लूजन नहीं मिल पाए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ JKPA, इसका जो कोडिंग है और इसका ड्रॉप डाउन में आ चुका है जेके पेपर, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई कंप्लीट सोल्यूशन नहीं मिल सकता है बिकॉज रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे पूरा तो नहीं आया हुआ है और कोई भी बाइंग सिग्नल यहाँ पे दिख नहीं रहा है, अभी भी सेलिंग सिग्नल कंटिन्यू हो रहा है बिकॉज ओवरसोल्ड जोन में कंप्लीट तो ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है बट कंप्लीट नहीं आया हुआ है, अभी भी इसमें ट्रेंड बाकी है। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे
कंसोलिडेशन चल ही रहा है बहुत टाइम से, करेक्ट। तो ये था आज का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, कैसा लगा मेरे को एक बार बताइएगा। और यहाँ पे जो स्वॉट एनालिसिस किया गया उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी थिंकिंग प्रोसेस है वो आप लोग को ही करना है, क्योंकि यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट में वो लोग अच्छा ही शो करेंगे और जितना सारा जो थ्रेट एंड वीकनेसेस है वो मतलब अपने ऊपर नहीं लेके और दूसरों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो थिंकिंग लेवल आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से पेपर का जितना डिमांड बढ़ने वाला है वो रॉ पेपर का बढ़ने वाला है, ना कि ब्रांडेड पेपर का। और इसी हिसाब से बात किया जाए तो आप लोग देख सकते हो यार ITC या JK पेपर। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। और आपका अपना अपना फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए, और थैंक यू सो मच।